हे गाइस, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स अड्डा। अनबॉक्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी। गंट आज के इस वीडियो में, इस रिव्यू वीडियो में, बेसिकली जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, स्काई बैग की ओर से आने वाले ट्रॉली बैग की अनबॉक्सिंग करने वाले। तो चलिए सबसे पहले ट्रॉली बैग की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद प्राइसिंग वगैरह के बारे में, डिटेल के बारे में जानने वाले। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, ये मुझे रिसीव हो चुका है स्काई बैग की ओर से, मिंत्रा से जो मैंने परचेज किया था ट्रॉली बैग, वो रिसीव हो चुका है फाइनली। एंड ये एम साइज में मैंने परचेज किया है, मीडियम साइज में। और इसका बॉक्स मैं बाहर से हटा चुका हूँ, कार्टन में पैक होकर आया था लेकिन बॉक्स हटा चुका हूँ। अब ये जो इसकी पैकेजिंग है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, उसका भी मैंने टेप हटा लिया है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने इसे मिंत्रा से काफी चीप प्राइस में परचेज किया है, उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। स्काई बैग यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही स्काई बैग जो कि ट्रॉली बैग है एंड ये मूवेबल है, 360 डिग्री रोटेटेबल है, आप पूरी तरह से इसे रोटेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी बाकी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। पूरा आपको जो मटेरियल इस तरह का देखने को मिल जाएगा, फैब्रिक आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, टफ प्लास्टिक वाला नहीं है, पॉलिस्टर वाला है। तो पॉलिस्टर वाला मैंने परचेज किया था, स्ट्रिप ट्रॉली बैग है जो कि स्काई बैग की ओर से। यहाँ पर सबसे पहले एक जिप आपको मिल जाती है, इस जिप में आप जो है यहाँ पर काफी सारी एक्सेसरीज वगैरह रख सकते हो इजीली। और साथ ही साथ इसका जो मटेरियल है यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ क्वालिटी, मतलब मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी जिप की जो क्वालिटी है, जिप की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर एक व्हाइट कलर का आपको काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रिप लाइन की डिजाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए, ये जिप जब आप ओपन करोगे, एक्स्ट्रा जिप दी गई है। अब इस जिप का बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने इसे ओपन किया तो ओपन करने के बाद लगभग 1.5 से 2 इंच इसमें स्पेस और बन चुका है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो जिप है वो लग नहीं पाती है, पूरी तरह से फिट नहीं हो पाता है। तो उस वजह से ये यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जिप दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा जो है एक्सपेंशन बढ़ जाएगा इस ट्रॉली बैग में। तो एक अच्छा फीचर मुझे इस ट्रॉली बैग का लगा, स्काई ट्रॉली बैग। इस जिप को जब मैं वापस से क्लोज कर दूंगा तो ये देखिए 2 इंच जो है वापस से छोटी हो चुकी है, तो इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक मेन जिप आपको देखने को मिलेगी, जो आपको लॉक यहाँ पर हुई देखने को मिलेगी। अब इसका लॉक डिफॉल्ट जो लॉक आता है वो 000 आता है, इसमें 3 आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे, 3 यहाँ पर लॉक देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों में से आपको 0 यहाँ पर एंटर करना होगा, यानी कि 0 पर सेट करना होगा इनको, और उसके बाद आपको यहाँ से पुश करना होगा। जैसे यहाँ से आप पुश करोगे, इसको पुश करने के बाद ये जो की है वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए मैंने 0 पर इसे ऑलरेडी सेट करके रखा है और इजीली ये लॉक से अनलॉक हो चुकी है। तो मान लीजिए आपने 333 इनमें ऐड किया, तो 333 जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक ये लॉक अनलॉक नहीं होगा। इसके बाद ये मेन जो जिप है उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो बैग है वो अनपैक हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसे अनपैक कर सकते हो इस ट्रॉली बैग को, और अनपैक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का अंदर से देखने को मिल जाएगा ये ट्रॉली बैग। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वालिटी है काफी बेटर देखने को मिल रही है। आपको क्लोथिंग रखनी है, जितना भी एक्सेसरीज रखनी है वो सारी यहाँ पर रख सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको इस तरह की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, इन स्ट्रिप को आप लॉक कर सकते हो, इनके अंदर अपनी क्लोथिंग को इजिली सेट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये देखिए आपको बॉटम में भी आपको मिल जाएगी, एक आपको अपर साइड में भी मिल जाएगी, दोनों साइड में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें काफी सारा सामान आप रख सकते हो, काफी सारी क्लोथिंग रख सकते हो, एक्सेसरीज रख सकते हो, लैपटॉप वगैरह भी आप चाहे तो इसमें रख सकते हो। साथ ही काफी ज्यादा हार्ड में मिल जाता है, मतलब की अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है यहाँ पर। साथ ही साथ फ्रंट में मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पर भी आपको एक जिप मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए साइड की, तो साइड में देखिए यहाँ पर आपको इस तरह फिनिश मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरा पॉलिस्टर का है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा। अब हैंडल से पहले यहाँ पर इसका ब्रांड टैग लगा हुआ है, जो कि स्काई बैग, एक टैग मिल जाएगा स्काई बैग का, जिसके ऊपर प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है, साथ ही वारंटी की बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी जो एमआरपी है 7599 रुपीज है, और बाकी डिटेल इसके ऊपर दी गई है, मेंशन है। अगर बात करें हैंडल की, तो दो तरह के हैंडल आपको मिल जाएंगे। एक सॉफ्ट आपको हैंडल मिल जाएगा, जो कि काफी कुछ नहीं सा है, मतलब कि इसके अंदर फोम वगैरह लगा हुआ है, जो अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे हैंडल की, अगर कहीं पर ले जाना चाहते हो ट्रेवल के दौरान, तो आप जो है इस हैंडल का यूज कर सकते हो। अब इस हैंडल के ऊपर एक बटन आपको दिया गया है, जिस बटन को अगर प्रेस करोगे तो ही इस हैंडल को आप बाहर निकाल पाओ। इस बटन को पुश करके ही आप जो है हैंडल है उसे अंदर रख पाओगे, साथ ही साथ बाहर निकालने के लिए भी आपको बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप बटन को छोड़ दोगे तो एक जगह पर जाकर के लॉक हो जाएगा, जैसे कि इस जगह पर आकर ये अब लॉक हो चुका है। तो लॉक होने के बाद अगर आप इसे वापस से अंदर डालना चाहते हो तो सिंपल आपको बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इजीली आप इसे वापस से अपनी जगह पर स्टैंड को रख सकते हो। उसके साथ ही साथ आप जैसे ही बटन को पुश करोगे, बटन पुश करने के बाद फिर से आप इसे ओपन कर सकते हो और इजीली आप जो है इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो इस तरह से आप ले जा सकते हो इसे इजीली। इसमें जो व्हील्स दिए गए हैं उसे आप 360 डिग्री पूरा रोटेट कर सकते हो, इस तरह से पूरा रोटेट हो जाएगा। अगर प्लेन सरफेस होगी तो काफी अच्छे से ये मूव हो जाएगा इजीली, अगर सरफेस प्लेन नहीं है
तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो व्हील्स है वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कि व्हील्स काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, इजीली मूवेबल है, साथ ही साथ आप पूरा 360 डिग्री से रोटेट कर सकते हो इजीली, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही इसको बटन को प्रेस करके और वापस आप हैंडल को अंदर डाल सकते हो, और यहाँ से भी आप चाहे तो इसे यहाँ से भी उठा सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो, काफी अच्छी खासी आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। साथ ही जो वेट है, इसका मतलब की जो वेट है वो भी अच्छा खासा है। इसके साथ ही ज्यादा भारी भी नहीं है, आपको लाइट वेट भी मिल जाती है। और एक्सपेंशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर आपको जो है जिप मिल जाती है इजीली। इस जिप को अगर आप जो है अनलॉक करोगे यहाँ से, तो आप इसे और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे कि लगभग 2 इंच एक्सपेंड हो जाएगा ये, और उसके बाद आप जो है इसमें ज्यादा क्लोथिंग रख पाओगे, ज्यादा एक्सेसरीज रख पाओगे। तो ये जो है ट्रॉली बैग है स्काई बैग की ओर से आने वाला है। इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात हम आगे करने वाले हैं, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस प्राइसिंग के हिसाब से तो काफी जबरदस्त, रेगुलर जो प्राइसिंग होती है थोड़ी ज्यादा होती है इसकी, उस प्राइसिंग में भी मेरे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो गाइस जैसा कि अनबॉक्सिंग में आपने देखा और ये अभी जो है अनबॉक्स करके दिखाया, इसकी बेसिकली जो है पूरी डिटेल जानने वाले हैं, ये कितनी प्राइसिंग में मुझे मिला मिंत्रा की BFF सेल से, साथ ही साथ जो है इसकी क्वालिटी कैसी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। हालांकि अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताया है, यहाँ पर जो है आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है। जैसे कि लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए लॉक आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है 3 पॉइंट आपको मिलेंगे इस साइड में, 3 पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपको नंबर दिखाई देंगे, उन नंबर को सेट करके आप इसे लॉक कर सकते हो। जो भी नंबर आप तीनों नंबर एक साथ मिलाओगे, मान लीजिए 111 कर रहे हो, 222 कर रहे हो, आपको 0 से लेकर 9 तक की डिजिट मिल जाएगी, तीनों में एक ही डिजिट होगी तो ही ये लॉक होगा। और अगर वो डिजिट जो आपने सेट की है वो तीनों आपको जो है तीनों आपको एक जैसी डिजिट यहाँ पर लानी होगी, तभी अनलॉक होगा। तो इस तरह से लॉक अनलॉक हो सकता है। अगर बात करें इस ट्रॉली बैग की, साइज काफी बड़ी है, देखिए आप काफी बड़ी साइज में मिल जाता है। स्काई बैग की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और साथ ही स्ट्रिप्ड आपको डिजाइन मिल जाती है ब्लैक कलर में। साथ ही इस ट्रॉली बैग के बारे में बाकी डिटेल की बात करते हैं। देखिए ये जो एम साइज का यानी कि मीडियम साइज का ट्रॉली बैग है स्काई बैग की ओर से आने वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी यानी कि वेट कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो इसमें ब्रांड के हिसाब से जो 62 लीटर वेट कैपेसिटी है इसकी, यानी कि 62 लीटर आप क्लोथिंग एक्सेसरीज इसमें इजिली रख सकते हो। इतनी वेट कैपेसिटी है जो की एक अच्छी बात है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो ये जो है इसकी वेट कैपेसिटी है। अगर बात की जाए इसकी साइज की, तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट की बात की जाए 69 सेंटीमीटर की हाइट मिल जाएगी। विड्थ की बात की जाए तो विड्थ है 43 सेंटीमीटर। डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ आपको मिल जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो इसकी ये पूरी की पूरी साइज है इस ट्रॉली बैग की, जो कि स्काई बैग की ओर से हमने परचेज किया है। एंड ये जो है ट्रॉली बैग काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा, क्वालिटी काफी बेटर है, साथ ही पॉलिस्टर मटेरियल का आपको मिल जाएगा। दो तरह के ट्रॉली बैग आते हैं, एक पॉलिस्टर में, एक आपको मिलता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक वाला भी आता है जिसमें अलग अलग मटेरियल आपको मिल जाते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं, तो एक प्लास्टिक वाला आता है। अगर बात करें क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ड्यूरेबल भी लग रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी जो MRP है 7599 रुपीज है, लेकिन मिंत्रा की BFF सेल से हमने इसे परचेज किया है मात्र 1279 रुपीज के आसपास में, यानी कि 1300 रुपीज से कम प्राइस में हमने इसे परचेज किया है, जो कि मीडियम साइज का है, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस है। इसका बेस्ट ऑफर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था, अगर वहां पर आप अवेलेबल हो, वहां पर आप जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आप इस तरह की डील्स मिस नहीं करोगे। काफी सारे डील्स वहां पर मैं दिन भर पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे की काफी ज्यादा सेविंग आपकी हो जाती है। अगर आप इस ट्रॉली बैग को परचेज करना चाहते हो तो मेरी तरफ से ओके है, ये ट्रॉली बैग काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, स्काई बैग का है, साथ ही वर्थ ऑफ प्राइस में आपको मिल जाता है। अगर आप इसे 1500 रुपीज तक परचेज करोगे तो मेरी तरफ से ओके है, काफी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको हैंडल मिल रहा है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर बात करें यहाँ पर जिप वगैरह की, तो जिप भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका बैग का ये ट्रॉली बैग काफी ज्यादा ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पर डेफिनेटली आप ट्रेवल के लिए इसे परचेज कर सकते हो, आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, साथ ही साथ प्राइसिंग के हिसाब से काफी बेस्ट है। अब बात की जाए वारंटी की, तो 5 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें आती है तो 5 साल की वारंटी के अंदर आप वारंटी क्लेम कर सकते हो ब्रांड को आप कॉन्टेक्ट करके। इसकी जो वारंटी है मिंत्रा की तरफ से या किसी ई कॉमर्स की तरफ से नहीं, बल्कि ब्रांड की तरफ से, तो ब्रांड को ही आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत आती है इनके ट्रॉली बैग में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही साथ काफी सारे कुर्ता के, टी शर्ट के, काफी सारे और भी होम वीडियोस, रिव्यू वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है। बेस्ट BLDC पेन लेना चाहते हो तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। इसी तरह के अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह के एक और अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।